नमस्कार दोस्तों, यादव पलम्बर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और अपने को बाथरूम का डाइवर्टर कैसे लगाना चाहिए, तो इस वीडियो में वही जानकारी आपको मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो आप पूरा देखिए। और देखिए, अभी अपना ये बांध काम हुआ है जस्ट बस। और इसके ऊपर अपने को पाइप एंड पहले करना चाहिए कि प्लास्टर के बाद करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम होता है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और बताते हैं आपको कि अपने को अभी देखिए इसमें क्या क्या है, अभी वो बताते हैं आपको इसमें क्या क्या दिक्कत होने वाला है। जो कि तीन सामान इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, वो वही दिक्कत होने वाला है। तो पहली बात, तो अभी देखिए अभी क्या होता है, प्लास्टर के अगर बाद आप करते हैं, प्लास्टर के बाद अगर आप पाइपलाइन करते हैं, तो आपको मालूम रहता है कि कितना आपको फर्जी लगेगा। तो अभी देखिए क्या होगा ना, अभी इतना खटकी है, ठीक है, अभी आप देख सकते हैं जो कि एक इंची खटकी इधर है और एक डेढ़ इंची उधर है, डेढ़ इंची इधर, एक इंची इधर। ऐसे अगर खटकी को मैनेज करने लगेंगे प्लास्टर वाले, अगर एक खटकी और एक खटकी को मैनेज करने लगेंगे, और ये बांध काम में भी हल्का सा भी आधा इंची का डिफरेंस होगा, तो यानी आधा और एक डेढ़ इंची का प्लास्टर का डिफरेंस होगा, तो क्या होगा अपना दिक्कत। तो अभी क्या हुआ ना, अगर आप ब्रास एल्बो लगाते हैं तो ब्रास एल्बो आपको ज़्यादा अंदर जाएगा, तो इसके लिए ज़्यादा इंटेंशन लगेगा। तो इंटेंशन में और ब्रास एल्बो में क्या अंतर है ना, अगर ज़्यादा आपका नल अंदर गया, जो कि प्लास्टर में और फर्सी के अंदर चला गया, डेढ़ इंची एक इंची कम से कम अंदर चला जाएगा। तो अगर जैसे एक इंची और डेढ़ इंची इतना अंदर बाहर होगा, तो फिर आपका इंटेंशन ज़्यादा बढ़ेगा, हर एक नल में बढ़ेगा। अगर ज़्यादा बाहर भी ले लेंगे तो बाहर भी दिक्कत होगा, और ज़्यादा अंदर भी ले लेंगे अंदर भी दिक्कत होगा। तो कभी भी अगर आप काम करा रहे हैं तो प्लास्टर होने के बाद ही कराइए, क्योंकि प्लास्टर होने के बाद ही आपका अगर पाइपलाइन होगा ना, तो एकदम सेपरेट होगा और शुद्ध होगा, 100% शुद्ध होगा, 100% 1% भी कुछ दिक्कत नहीं आने वाला है। जो कि फर्सी का आधा से पौना इंची रहता है, आधा या पौना इंची, यानी मिनिमम आप पौना इंची छोड़ देंगे, जो कि फर्सी के लगने के बाद ब्रास एल्बो का फिटिंग, डाइवर्टर का और शावर का और फ्लश वाल का, अगर बांध काम हुआ है आपका, ठीक है, लेकिन प्लास्टर नहीं हुआ है, तो प्लास्टर होने के बाद ही प्लम्बिंग का पाइपलाइन कीजिए। लेकिन घर वाले बोलते हैं कि पहले पाइपलाइन कर दो फिर प्लास्टर करेंगे, तो इसमें क्या होता है ना, अगर टाइम का आपका कम लगता है, ठीक है, लेकिन बाद में अगर प्लास्टर अप डाउन हो गया, अंदर बाहर हो गया, फिर फर्सी आ गया, फर्सी पौना इंची डेढ़ इंची ये हो गया, तो दो ढाई इंची का फर्क हो जाता है। अगर जैसे खटकी रहेगा ना, जैसे अभी कॉलम आपके सामने है, जो कि आपकी जो अभी आपके सामने दिख रहा है इतना खटकी, अभी आपको दिखाते हैं कितना खटकी इधर दिखा रहा है। अभी कॉलम के और बांध काम के फेस में देखिए खटकी कितना दिखा रहा है, देखिए अगर प्लेट अंदर चला जाएगा ना, फिर ऐसा दिखेगा जो कि अभी आपके सामने है, जो कि बाथरूम में डाइवर्टर प्लेट पूरा फर्सी के अंदर चला गया है। तो ऐसा ना हो तो प्लास्टर के बाद ही पाइपलाइन कीजिए। कभी भी आप ध्यान रखिए, कभी भी अपना डाइवर्टर का पाइपलाइन और अपना ब्रास एल्बो का पॉइंट प्लास्टर होने के बाद ही करेंगे, तो आपका पूरा परफेक्ट आएगा, जो कि प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो कभी भी प्लास्टर होने के बाद ही डाइवर्टर और पाइपलाइन का पॉइंट दें। और ऐसा भी अगर आपको प्लेट अंदर चला जा रहा है, तो इसके लिए एक पर्सनल वीडियो बनाएंगे, तो उसको भी रिकवरी कैसे करेंगे, तो उसका भी जुगाड़ है अपने पास और प्रॉपर तरीका से है, नहीं थूक लगाने का बात नहीं है, तो भी आपको वीडियो मिलेगा। अगर देखना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिए कि डाइवर्टर प्लेट अपना अंदर चला गया, इसको कैसे ठीक करें। अभी इतना खटकी है कि जिसमें आपका उंगली चला जाएगा, किधर एक इंची है, किधर डेढ़ इंची है, किधर आधा इंची है, तो हर जगह अलग अलग है। तो कभी भी अगर आप काम करा रहे हैं, तो देखिए कैसे क्या होगा ना, अगर यहाँ पे आपका डाइवर्टर लगेगा, जो कि डाइवर्टर लगेगा, तो अभी डाइवर्टर इधर लगा दिए, ठीक है, आप डाइवर्टर आप लगा दिए,
तो प्लास्टर होगा तो कितना आपका प्लास्टर होगा, 1 इंची की, 1.5 इंची कि 0.25 इंची। तो अभी आपका एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि कितना आपका आने वाला है प्लास्टर। अगर ये बांध कम उलम्बा में नहीं रहेगा फिर आपको फर्शी में भी दिक्कत होगा। अगर ये बांध कम हल्का भी उलम्बा में नहीं रहेगा, सूत में नहीं रहेगा, तो फिर भी आपका प्लास्टर अंदर बाहर आने वाला है। तो कभी भी अगर बांध काम कर रहे हो लोग तो अपना सूता लगा रहे हैं तो उसमें अगर लेवल आ जा रहा है तो फिर अपना ये आप पाइपलाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है क्योंकि इधर स्पाउट लगने वाला है और इसका भी ब्रासिल वो बहुत जगह अंदर चला जाता है। अभी आपको एक दिखाता है कि इसमें क्या हुआ है, डायवेटर में क्या हुआ है। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने के लिए ही आपसे निवेदन है कि आप प्लास्टर के बाद ही अगर पाइपलाइन कराएंगे डायवेटर फिटिंग तो अच्छा रहेगा। और इधर अपना फ्लश वाल लगने वाला है जो कि 7 इंची का फ्लश वाल लगने वाला है। और ये फ्लश वाल का भी दिक्कत होता है क्योंकि फ्लश वाल अंदर बाहर होगा ना फिर आपका प्लेट नहीं लग पाएगा, जो कि फ्लश वाल का प्लेट होता है, ज़्यादा अंदर और ज़्यादा बाहर रहेगा फिर आपका ये प्लेट नहीं लग पाएगा। और यहाँ से अपना बाहर जाने के लिए है जो कि यहाँ से अपना बाहर जाएगा 7 इंची पाइपलाइन।